हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एप्स एंड टैक्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं अपने वेबसाइट के लिए। ये वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आप अगर फॉलो कर लिए उसको तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैं आपको इसको प्रूफ भी दिखाने वाला हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना कंसीडर कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं। ये देख सकते हैं, ये मेल आया है गूगल के तरफ से मुझे सितंबर 15, 2018 सुबह के 9:52 में। योर एडसेंस अपग्रेड रिक्वेस्ट हैज बीन डिनाइड। और इसका क्यों, रीजन क्या दिए थे वो लोग कि इनसफिशियंट कंटेंट, जबकि मैंने उसमें 15 से 16 पोस्ट लिखे थे। तो उसको कैसे मैंने फिर उसका रीजन निकाला, मतलब कैसे उसको सॉर्ट आउट किया, तो वो जानने के लिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं भी उसका वीडियो बना दूंगा। और फिर आप देख सकते हैं इधर, फिर दूसरा मेल आया कि सितंबर 22, 2018 को कि योर वेबसाइट has been approved to show AdSense ad। तो आप देख सकते हैं कि सितंबर 15 को मेरा रिजेक्ट हुआ था और सितंबर 22 को मेरा अप्रूव हो गया। इधर आप पढ़ सकते हैं मेल अच्छे से, कॉन्ग्रेचुलेशन, योर AdSense अकाउंट has been approved to show AdSense ads on your website। विद इन ए फ्यू आवर्स यू विल बी सी लाइव एड्स। तो उसके बाद फिर एक घंटे के बाद इधर ये मेल आया था 7:25 को, ये आ गया 9:47 को कि आपका ग्रेट न्यूज, योर एड्स आर लाइव ऑन योर साइट। तो ये था। और इसी वेबसाइट में मैंने, आप देख सकते हैं, media.net का भी अप्रूवल लिया हुआ है। तो उसका भी अगर आप चाहते हैं तो मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले चलिए मैं आपको अपने वेबसाइट healthandmedicines.com पे ले चलता हूं। तो ये है मेरी वेबसाइट healthandmedicines.com, जो कि आप देख सकते हैं इधर एड्स हैं, इधर ये वाला गूगल की तरफ से एड्स हैं। इधर आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 एड्स हैं। तो ये अप्रूवल जो मैंने लिया है, इसको मैं 7 पॉइंट्स में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये 7 पॉइंट्स अगर आपने फॉलो कर लिया तो फिर गारंटी के साथ आपका अप्रूवल हो जाएगा विद इन 7 डेज, ये मेरा गारंटी है। अगर अप्रूवल नहीं भी मिला, कुछ भी हुआ, तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं दूसरों की तरह नहीं कि आपको मैं बता दूंगा और उसी का कुछ प्रॉब्लम आए तो हेल्प नहीं करूंगा। आप बेझिझक मेरे इधर डिस्क्रिप्शन के नीचे इधर देख सकते हैं, उधर मेरा ईमेल आईडी भी मैंने दिया हुआ है, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। पॉइंट नंबर 1 ये है कि आपका वेबसाइट का जो नीच होना चाहिए वो हेल्थ रिलेटेड होना चाहिए, या फिर हेल्थ, किसी भी, आप एक हेयर फॉल हो गया या फिर आपका दूसरा कुछ डायबिटीज हो गया, उसके ऊपर आप डिटेल्स में भी एक वेबसाइट बना सकते हैं। हेल्थ मैंने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हेल्थ नीच में आपका पॉसिबिलिटीज जो रहता है अप्रूवल मिलने का, वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। हेल्थ और एजुकेशन के, मतलब एजुकेशनल भी आपका हेल्प कर सकता है, तो बेटर होगा आप एक हेल्थ वाला वेबसाइट को आप बनाना स्टार्ट कर दीजिए। और ध्यान रखिएगा, आपका डोमेन जो रहना चाहिए, आपका डोमेन नेम, वो आपके हेल्थ का जो, जिस टॉपिक के ऊपर आपने हेल्थ के ऊपर जो चुना है, उसी टॉपिक के रिलेटेड आपका डोमेन नेम होना चाहिए। बस दूसरा पॉइंट ये है कि आपको अपने वेबसाइट को दूसरे वेबमास्टर टूल में सबमिट करना पड़ेगा, और इसका फायदा ये होगा कि आपके वेबसाइट सर्च इंजिन में आएगा और आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आएगा। तो मेरा मेन पॉइंट ये नहीं कि आपको दूसरे वेबमास्टर टूल में सबमिट करना है, मेरा मेन पॉइंट ये है कि आपका जो डाउट है कि ट्रैफिक चाहिए कि नहीं आपके ब्लॉग में, वो क्लियर करना है। तो आप देख सकते हैं मेरे जो ब्लॉग है, इसमें अभी तक एक भी पोस्ट में 100 से ऊपर कोई भी ट्रैफिक आया नहीं है। तो फिर मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ट्रैफिक आपको चाहिए ही नहीं। गूगल के कहीं पे भी नहीं लिखा कि आपको एडसेंस का अप्रूवल के लिए आपके वेबसाइट को ट्रैफिक चाहिए, विदाउट ट्रैफिक आपका एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा, बल्कि ये कहीं नहीं लिखा है। तो फिर ये आप, मतलब, दिमाग से हटा लीजिए कि आपको ट्रैफिक चाहिए तभी जाके आपको एडसेंस अप्रूवल मिलेगा। अब चलिए चलते हैं तीसरा पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट ये है कि आपने को डिस्क्लेमर
प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस और अबाउट अस के अंदर अबाउट द ऑथर और कॉन्टेक्ट अस, ये 5 आपका जो पेज होना चाहिए। ये तो आप बहुत सारे वीडियोस में देखे होंगे और वो लोग आपको ये भी बताते हैं कि कैसे आप कहाँ से डिस्क्लेमर ला सकते हैं, कहाँ से प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट कर सकते हैं, वो सब बताएंगे। लेकिन आपको ये कोई नहीं बताता कि वो जो प्राइवेसी पॉलिसी डिस्क्लेमर वो जो जनरेट होता है सभी का जो सेम, मतलब वर्ड्स जो है सेम रहता है, कंटेंट जो है सेम रहता है। तो आपको करना ये है कि जितना हो सके आप उसको थोड़ा सा अपने आप से एडिट कर लीजिए और कुछ हो सके तो आप उसमें चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि हर जगह से सेम रहेगा सभी वेबसाइट का जो अप्रूवल लेते हैं। तो अगर आपका थोड़ा सा हट के रहेगा तो फिर आपका चांसेस और भी बढ़ जाता है अप्रूवल पाने में। गाइस, चौथा पॉइंट ये है कि आपका कंटेंट कितना रहना चाहिए। तो मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस से, आपका जो नंबर ऑफ पोस्ट होना चाहिए वो है 15 से लेकर 20। जब तक आप 15 पोस्ट नहीं लिख देते तब तक आप कभी भी अप्लाई करने का सोचिएगा भी मत। अब चलते हैं पांचवे पॉइंट की तरफ, और पांचवा पॉइंट ये है कि आप जितना भी पोस्ट लिखें आप 1500 से कभी भी नीचे लिखिएगा मत। मतलब 1500 वर्ड्स आपका हर पोस्ट 1500 से लेके 2000 वर्ड्स में होना चाहिए। मेरा वेबसाइट का कोई भी आप पोस्ट देख लीजिए, कोई भी 1800 वर्ड्स के नीचे है नहीं। और मैं कैसे ये इतने सारे वर्ड्स का ये पोस्ट बनाता कैसा हूँ, मतलब एक सीक्रेट फॉर्मूला है, सीक्रेट ट्रिक है उसका। अगर वो भी आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं उसका भी एक नया वीडियो बना लूँगा। आप ध्यान रखिएगा, आप जितना भी पोस्ट लिखें हो 1500 से 2000 वर्ड के बीच में हो, उससे ज़्यादा रहने से भी और भी अच्छा है। वैसे अब चलते हैं 6th नंबर पॉइंट की तरफ, और मेरे ख्याल से ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि बहुत सारे लोग इसको उतना ध्यान नहीं देते। ये पॉइंट ये है कि आपको कॉपीराइट फ्री इमेजेस लगाना है अपने वेबसाइट में। अगर आपको नहीं पता कि कॉपीराइट फ्री इमेजेस होते क्या हैं, मतलब कहाँ से आप कॉपीराइट फ्री इमेजेस ला सकते हैं, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं उसका भी एक नया वीडियो बना लूँगा। तो कॉपीराइट फ्री इमेजेस लगाना बड़ी बात नहीं है, मेन चीज़ ये है कि हर इमेज में आपका एक वाटर मार्क, मतलब आपका एक लोगो रहना चाहिए जो कि अच्छा दिखेगा आपके हर पोस्ट के हर इमेज में। आपका मेरे जैसे आप देख सकते हैं, मेरे वेबसाइट में आप चले जाइए, कोई भी इमेज ऐसा नहीं है कि जो कि दूसरा कहीं का इमेज है, सब कॉपीराइट फ्री इमेजेस है। और सभी में मेरे आप देख सकते हैं हेल्थ एंड मेडिसिन का टैग लगा हुआ है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी आप ध्यान रखिएगा। भाई सभी चलते हैं 7th नंबर पॉइंट में, 7th जो कि आखिरी नंबर पॉइंट है, और ये है कि आपका थीम सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपके अप्रूवल में। थीम आपका सबसे सिंपल रहना चाहिए, कुछ भी उसमें, बहुत सारे लोग उधर दे देते हैं, कोई डेट दे देता है, बहुत सारे विजेट्स लगा देते हैं। मेरे हिसाब से आपको कुछ भी नहीं, बस एक सिंपल सा थीम आप देख सकते हैं हेल्थ एंड मेडिसिन का, क्योंकि ये जो अप्रूवल मिलता है आपको ये कोई गूगल का बॉट नहीं देता, ये नॉर्मली वो गूगल के एम्प्लॉइज के पास आपका एक ये अप्रूवल का जो ये फॉर्म है वो जाता है। एक एम्प्लॉई आपका वेबसाइट को चेक करता है, एक ह्यूमन आपका वेबसाइट को चेक करता है। तो अगर आप उसको देखते ही लगेगा कि सिंपल सा थीम रहेगा, तो उसको देखते ही लगेगा कि हाँ ये वेबसाइट अप्रूवल लेने के लायक है। तो मेरा वेबसाइट आप देख सकते हैं हेल्थ एंड मेडिसिन कितना सिंपल है, कुछ भी उसमें फैंसी चीज नहीं है, बस जो कॉन्टेंट है वही उसका मेन फोकस किया हुआ है। और हेल्थ एंड मेडिसिन है, इसके लिए ये जो थीम है आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का, इसमें और भी सूट कर रहा है क्योंकि ये हेल्थ टॉपिक है। तो गाइस यही था वो 7 पॉइंट्स जो कि मैंने खुद के एक्सपीरियंस से आपके लिए कुछ बनाया है। कुछ भी आपको डाउट हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हुआ है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नीचे है, देख लीजिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कुछ सीखने को मिला, तो आप लाइक कर सकते हैं, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे इसी टाइम इसी चैनल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।